हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में आपको एकदम जेन्युइन गाइड के साथ लास्ट के एक मंथ की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। एसएससी सीपीओ का सबसे अच्छी जॉब जॉब मिलती है एसएससी में, सबसे आसान जॉब जिसको बोला जाता है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें फिजिकल और मेडिकल होता है, तो कई लोग इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा रिटन कॉम्पिटिशन के बेस पे। और अगर आपका फिजिकल और मेडिकल अच्छा है तो सबसे आसान जॉब मैं जिसको बोल सकता हूँ वो एसएससी सीपीओ की। लास्ट का एक महीना 9 से 11 नवंबर में इसका एग्जाम है, उससे पहले लास्ट के 9 दिन अगर मैं रिविजन के लिए टाल दूं तो एक महीने में आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे सीपीओ से रिगार्डिंग, बिकॉज मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे कि लास्ट के एक महीने में क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, लास्ट के 9 दिन में इसके रिवीजन के लिए हटा देता हूँ ये स्ट्रेटेजी। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो लास्ट के 9 डेज में आप अच्छे से रिवाइज करना है चीजों को। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एसएससी रिवीजन के बेस पे निकाला जा सकता है, क्योंकि ऐसी सारी चीजें पूछी जाती है जो कहीं ना कहीं आप रिवाइज करके जा रहे हैं, तो आप अच्छे से उनको करेक्टली मार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ का जो आने वाला एग्जाम, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2-3 कारण मैंने आपको बताए। एक तो देखो, इसके बाद पैटर्न चेंज होने के आसार है, मतलब जैसे आपको पता है कि सीजीएल में पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इसमें भी पैटर्न चेंज हो सकता है, मतलब चांसेस है कि आने वाले टाइम में इसी पैटर्न पे एसएससी सीपीओ का एग्जाम ना हो, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम देने की। प्लस इस बार जो वैकेंसी है बहुत ज्यादा है, आपको पता है 4300+ वैकेंसी है इसमें, तो ये अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सब इंस्पेक्टर आपको बनने का मौका मिलता है इस एग्जाम में। कई लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, जिनको पता नहीं है तो आई डोंट नो कि लास्ट के एक महीने में कैसे आप तैयारी कर पाओगे इसकी, बट आपको कहीं ना कहीं इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि एसएससी सीपीओ के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और बाकी सीएपीएफ जो होती है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसमें आप सब इंस्पेक्टर के रैंक पे आप इसमें जाते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें कितना स्कोर आपको होना चाहिए। देखो, इसमें इंग्लिश बहुत करता धरता होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश का स्कोर अच्छा लेके चलूं, या तो आप कर लो कि सीजीएल की आप तैयारी करो या किसी और एग्जाम की आप तैयारी करो, तो आपका इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग अच्छा होता है, हो जाता है लगभग, तो आप उसमें तीनों में 40-40-40 स्कोर, और जीएस में आप 10-15 स्कोर करोगे, 130 अगर आप रो स्कोर आप करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन जैसे कि सीपीओ की आप तैयारी करो तो इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, तो आपने अगर इंग्लिश पे एम्फसाइज करा है तो मैं टारगेट करके चलता हूँ कि इंग्लिश में आप 45+ ले आओ, मैथ्स और रीजनिंग में आप 35+ ले आओ दोनों में, और दोनों में मिला के नहीं अलग अलग 35 मतलब 70+ दोनों में हो जाते हैं, और उसके बाद आप जीएस में अगर 15 के आसपास नंबर ले आते हो। मैं जीएस को ज्यादा एम्फसाइज यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर यहाँ पे करना पड़ेगा। गोइंग फॉरवर्ड जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें जीएस पे आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा, बट इस एक महीने के लिए आप सीपीओ पे फोकस रख सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो लगभग 130+ आपका रो स्कोर अगर होता है तो बहुत अच्छी पोजिशन आपकी हो जाती है। अब लोग बोलेंगे कि भैया इसमें तो 180-190 स्कोर बच्चे करते हैं, मतलब एस्पिरेंट्स करते हैं, तो मेरी बात सुनो, सीजीएल के काफी बच्चे इसमें बैठते हैं, और जैसे वो टीयर वन देते हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए टीयर वन देते हैं, इसके बाद उनका भीड़ हट जाता है। तो जो टीयर वन का स्कोर है उसके आधार पे आप अपने रैंक डिसाइड ना करो, क्योंकि इसके बाद फिजिकल और मेडिकल होता है जिसमें अच्छे अच्छे धुरंधरों को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिशन में रहकर रोड़ा नहीं बनते, तो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आप अपने स्कोर को प्रीलिम्स के नहीं मेंस के हिसाब से आपको मेंस में आपको टारगेट करना है, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश आएगी तो उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और वही रियल कंपटीशन आपका बचता है जो मेंस देने जा रहा है। यहाँ पे फिजिकल की तैयारी जिसने करी है वही आपका सीरियस एस्पिरेंट्स है यहाँ पे, क्योंकि जिसने फिजिकल निकाल दिया मान के चलो सीपीओ का एस्पिरेंट्स है। सेक्शन वाइज बात करते हैं, 5 चीजों की मैं बात करूंगा, 4 सेक्शन और 1 मॉक टेस्ट। सबसे पहले मॉक टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट आपको एक महीने में, लास्ट के 9 दिन हटा दो, उसमें आप मॉक दे रहे हो 4-5 तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो और भी अच्छी बात है, रिवीजन पे आप फोकस कर सकते हैं, बट लास्ट के 30 डेज में एटलीस्ट 30 मॉक्स आप लगाओ, 30 मॉक लगाओ। अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर हो एकदम, तो आपके लिए मॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 4-5 मॉक लगा के एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेकिन आपने अगर तैयारी कर रखी है, लास्ट के 5-6 महीने से आप पढ़ाई करो, तो लास्ट के 30 डेज में 30 मॉक लगाओ और उसको एनालिसिस करो। मॉक का ये टाइम भी साथ में बताऊंगा, आपका टाइम टेबल किस हिसाब से रहना चाहिए। मॉक के लिए 3 घंटे दो, दिन में 2 घंटे का आपको मॉक लगाना पड़ेगा, 1 घंटे मिनिमम आपको एनालिसिस में टाइम लगेगा, 1 घंटे से भी ज्यादा हो सकता है तो 3 से 4 घंटे आपके मॉक में चले जाने। ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ वो लगभग 10 घंटे का टाइम टेबल होगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में 10 घंटे आपको एफर्ट मारना ही पड़ेगा, अच्छी रैंक अच्छी पोस्ट आपको चाहिए तो। ऐसे मतलब सपनों में 2 तारे नहीं लगते हैं कंधे पे, पहली बात तो ये है, आपको समझ के चलना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो ये 10 घंटे आपको मिनिमम देने पड़ेंगे, और एक महीने की बात है आप 10 घंटे दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई और काम नहीं है तो आप आराम से 10 घंटे निकाल सकते हैं। मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालिसिस करना है, ये 2 से 3 घंटे आपके
2 घंटे मॉक में, 1 या 2 घंटा आपका एनालिसिस में निकल जाएगा। ये 3 से 4 घंटे इसमें मान के चलो, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं आप? मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक प्रीफर कर सकते हैं। टेस्ट बुक में देखो अभी 600 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको सिंगल पास पे मिलते हैं, उसमें 48,000 प्लस मॉक आपको मिलेंगे। इतना बड़ा मेगा पैक मिलता है आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, जो भी 270 के आसपास चल रहा है। उसमें भी नवरात्रि ऑफर है, 270 रुपए का मॉक, उसमें भी मेरा कूपन कोड आप ट्रू यूज करोगे तो उसमें भी 10% ऑफ मिल जाए आपको, मतलब लगभग 250 रुपए से भी कम में आपको साल भर का ईयरली पास मिलेगा। अच्छी बात ये कि मॉक टेस्ट बुक पे लगभग 15 लाख से ज्यादा एक्टिव एस्पिरेंट्स है जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और आपको उसमें रैंक पता चलती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कई सारे मॉक प्लेटफॉर्म है जिन पे 1,500 बच्चे मॉक देते हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अच्छी स्टैंडिंग आपको नहीं पता चलेगी। तो यहाँ दे सकते हैं 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर वहाँ पे अपलोडेड है, उसमें आप लगा सकते हैं। SSC के लगभग सारे मॉक वहाँ पे अवेलेबल है, सारे CGL, CHSL, CPO, MTS और भी कोई SSC एग्जाम होता है, तो सारे के आपको मॉक वहाँ पे मिलेंगे, आप ये परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसे आपको बता दिया है मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने, टेस्ट बुक से, और कितने लगाने ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, इंग्लिश। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो बिलीव मी CPO का एग्जाम आपके लिए नहीं है, क्योंकि 400 में से 250 नंबर इंग्लिश के और इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सेक्शन को इग्नोर करके आप CPO में अच्छी रैंक नहीं ला सकते हैं, ये एक फैक्ट है। इसको आप बुरा मानो या अच्छा मानो, एक फैक्ट है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, तीनों सेक्शन आपके अच्छे होने चाहिए। प्रीलिम्स में फिर भी कंप्रेंशन अगर आपका ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा नहीं है तो चलेगा, लेकिन मेंस तक आपका कंप्रेंशन बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। इस वीडियो में आपके साथ बुक डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बुक जो आप फॉलो करो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट के 1 महीने में कम से कम डेली के 50 वर्ड्स आप नए पढ़ो। नए मतलब कि आपने जो पढ़ रखे उनको भी रिवाइज करो या पढ़ते जाओ। 50 वर्ड आप पढ़ो और कम से कम 2 से 3 हजार वर्ड ऐसे कर लो आप लास्ट के 1 महीने में, जिनका आपको याद हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आज से ही आप वोकैबुलरी पढ़ना स्टार्ट करोगे, इससे पहले भी पढ़ रखी होगी, तो उनमें से 50 रिवाइज करो या नए पढ़ो। आपको कम से कम 3,000 वोकैब ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद हो और SSC से रिलेवेंट हो। SSC से रिलेवेंट जितने भी वोकैब की बुक्स आती है उनमें से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ग्रामर भी पढ़ो। ग्रामर के साथ आपका अब क्या होना चाहिए, लास्ट के 1 महीने में आपका जो रूटीन होना चाहिए, 3 से 4 घंटे आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे आपको मॉक को बता दिया, 3 से 4 घंटे में इंग्लिश का बता दिया। बिलीव मी ये शेड्यूल आपके लिए वर्क करने वाला। जो वोकैब और ग्रामर पार्ट है इसको आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, क्विजेस दो, टॉपिक वाइज क्विज लगा सकते हो। क्योंकि क्विज आप दोगे उसमें एक्सेप्शन में आप गलती करोगे, जैसे मान लो कि आप कोई टॉपिक का प्रॉपर जैसे प्रोनाउन नाउन का कोई क्यूज दे रहे हो, उसमें एक्सेप्शन पूछे जाएंगे और उसमें आप गलती करोगे तो वो एक्सेप्शन आपको 100% याद हो जाएंगे। SSC मैक्सिमम एक्सेप्शन पूछता है, क्योंकि नॉर्मल रूल हर किसी को पता हो जाते हैं। उसके बाद कंप्रेंशन पे अभी आप ज्यादा फोकस मत करो, ये जो 3 से 4 घंटे आप मैक्सिमम दे सकते हो वोकैब और ग्रामर को। कंप्रेंशन आपका जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें क्वेश्चन आ रहे हो उससे ठीक हो जाएगा, और नहीं तो आप जैसे ही प्रीलिम्स आपका निकले फिजिकल के टाइम आप मैक्सिमम फोकस करना, कंप्रेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग, नोवेल रीडिंग और भी कई सारे तरीके हैं जो मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। SSC का कंप्रेंशन आप कैसे इंप्रूव करें आप वो देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इंग्लिश पे डिवोट करें। 3 से 4 घंटे आपकी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी की पढ़ी हुई वोकैब आपको मेंस में काम आएगी, अभी की पढ़े हुए ग्रामर रूल आपको मेंस में काम आएंगे। एज इट इज सिलेबस आपका मेंस में होने वाला है, कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। उसके बाद बात करूं मैं मैथ्स की। मैथ्स देखो, मैथ्स का ये हाल है कि कई बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं होती, सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे CPO निकाल लेते हैं, लेकिन आपकी अगर मैथ्स अच्छी है तो आप एडवांस और अर्थमेटिक दोनों करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्कोर आपको फाइनल मेरिट में हेल्प करने वाला है। अगर आपको लगता है आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है या बिगनर हो आप, तो सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस कर सकते हो। यू कैन स्किप द एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में क्या, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये वाला पार्ट आता है जो आपको पता होना चाहिए, ये वाला आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज पूरी मैथ्स करो, और मैथ्स में आप 2 घंटे कम से कम दो, अब लास्ट के दिनों में आप 2 घंटे आप इसको दे सकते हैं। 2 घंटे तो मिनिमम आप दो, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। 2 घंटे में आप प्रैक्टिस करो। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए। लास्ट के 1 महीने में थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चीजें नहीं हो पाएगी। ये एक ऐसा इतना हलवा नहीं है कि 1 महीने में आप एग्जाम को निकाल दो। तो प्रैक्टिस करो डेली के एटलीस्ट 2 घंटे में, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो करो डेली के। जैसे मैं बात करूं सिर्फ अर्थमेटिक की, तो अराउंड 11 या 12 टॉपिक है, उसमें आप डेली देख लो 5 दिन में एक टॉपिक आप कर रहे हो, तो भी आपको 5 दिन में क्या 2 घंटे के हिसाब से 60 घंटे आपके पास हो गए।
तो 5 घंटे आप डेली पढ़ सकते, मतलब टोटल 5 घंटे एक टॉपिक को आप दे सकते हैं। तो लगभग ऐसे हिसाब से आप प्लानिंग करोगे, जिस टॉपिक आपका अच्छा है उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, जो आपका टॉपिक थोड़ा वीक है उसको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अर्थमेटिक एडवर्क्स दोनों कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे आपको एवरेज एक टॉपिक को मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप करो। और लास्ट के 9 दिन में उस टॉपिक के जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लगे, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको जो लगे, उनको आप रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा। ये है रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें तो उसमें प्रीवियस ईयर पे आप फोकस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर से लगभग आप अच्छा स्कोर कर लोगे। 35 से 40 अगर आप स्कोर टारगेट करके चल रहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। रीजनिंग में भी एक चीज आपको करते रहना है, क्विजेस लगाओ, और उन टॉपिक्स क्विजेस ज्यादा लगाओ जो आपके वीक है, वीक टॉपिक पे फोकस करना है। कई सारे ऐसे टॉपिक है रीजनिंग में जो बहुत इजी होते हैं, वो आराम से आप कर लोगे, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ऐसी टेंडेंसी हमारी जनरली होती है कि जो हमारे अच्छे टॉपिक्स हो जाते हैं, जो इजी टॉपिक होते हैं, उनको ज्यादा ज्यादा हम पढ़ते हैं और वहाँ पे टाइम वेस्ट अपना होता है। तो ट्राई करो कि आप रीजनिंग में जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक है उसकी क्विज आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ, 1 घंटा आप रीजनिंग में दे सकते हैं। और फाइनली जीएस में भी आप 1 घंटा दो। रिसेंटली मैंने जीएस का एक वीडियो अपलोड किया, कंप्रेंसिव जीएस कैसे पढ़ने, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं, वो आप जाके देखो। आपको साइड आई बटन पे भी दिख रहा होगा, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक डाल दूंगा। वो वीडियो देखोगे तो जीएस का थोड़ा सा अच्छा आपको ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे आप जीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आप देखा लो आपका टारगेट कितना है। आपका टारगेट है 30+ स्कोर करना है जीएस में तो सारे पढ़ने पड़ेंगे। आपका टारगेट है 20+ तो उसमें से अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप निकाल सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। बट बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जीएस को पढ़ने के, आप वहां से देख सकते हैं। जीएस को 1 घंटा आप दो, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीएस, 2 घंटा मैथ्स, 4 घंटे हो गए। 3 से 4 घंटे आपको मॉक के लिए, 3 से 4 घंटे आपके लिए इंग्लिश के लिए, तो मिनिमम आपके 10 घंटे होते हैं, मैक्सिमम 11 से 12 घंटे आपके हो जाते हैं। मैं चाहता हूं आप 10 से 11 घंटे आप इसमें दो मिनिमम, तो आपका एग्जाम आराम से बहुत अच्छा स्कोर आप करके निकलोगे। और मैंने जो चीजें बताई है वो देखो, अभी मैं लास्ट मोमेंट में आपके बुक चेंज नहीं करा रहा हूं, लास्ट मोमेंट में आपकी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करा रहा हूं, मैं घंटे बता रहा हूं आपको कि इतने घंटे मिनिमम पढ़ना है और इस टॉपिक को ज्यादा एम्फेसाइज देना है, इस सब्जेक्ट को ज्यादा एम्फेसाइज देना है। क्योंकि प्रीलिम्स में आप अच्छा स्कोर कर लो, उसके बाद मेंस में बिल्कुल स्कोर ना आए आपको तो वो भी आपको दिक्कत है, प्रीलिम्स में स्कोर ना आए मेंस में आ जाए तो भी दिक्कत है। थोड़ा सा प्रीलिम्स के हिसाब से बैलेंस करके चलो चारों सब्जेक्ट को, जीएस को थोड़ा सा कम वेटेज और उसके बाद इंग्लिश को ज्यादा वेटेज, क्योंकि वही मेंस में आपको हेल्प करने वाला है। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है सीपीओ से रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि लास्ट के 1 महीने में मैं 3-4 वीडियो से आपको सीपीओ में प्रॉपरली गाइड करूं। मैं बहुत दिनों से सीपीओ के वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि अभी आपका सीपीओ आ गया तो मेरा एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और इसलिए आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।